दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज को बिल्कुल ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, पुलाव, बिरयानी और फ्राइड राइस तो हम बहुत बनाते हैं। आइए आज एक नई तरह के राइस की रेसिपी हम देखते हैं। आज मैं आपसे बेक्ड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। इस बेक डिश को मैंने थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर्स देके बनाया है। बहुत सारे वेजीज, व्हाइट सॉस और राइस और थोड़ा सा चीज यूज करके इसे बनाया है। इस बेक्ड राइस डिश को बनाने के लिए मैंने ये सारी चीजें ली है। यहाँ पर एक कप कच्चे चावल को मैंने 15 मिनट के लिए धोकर भिगो दिया था और उसके बाद 2 कप पानी डालकर, सॉल्ट डालकर इसे मैंने 2 सीटी के लिए कुकर में ही पकाया है। यहाँ पर हमें बासमती राइस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1/2 कप मैंने चीज लिया है। ये सारी सब्जियां हैं, इसमें मैंने लिया है मटर, प्याज, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, बीन्स, स्वीट कॉर्न के दाने और गाजर। और यहाँ पर सॉल्ट लिया है, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पास्ता सॉस लिया है मैंने और ये है गार्लिक। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म रख दिया है और उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसमें मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसे हम सौते करेंगे। अब ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज और उसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हमारे जो प्याज है वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते हैं। हमारी प्याज थोड़ी सी भुन चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, कैप्सिकम को छोड़ के बाकी की जो सारी सब्जियां हैं वो अभी डाल देंगे हम, क्योंकि ये सब थोड़ी हार्ड होती है, इन्हें कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सिकम फटाफट पक जाता है इसलिए अभी हम उसे ऐड नहीं करेंगे और इन सब्जियों को भी हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। इन सब्जियों में हम नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। हमारी सब्जियां हैं ये 60 से 70% कुक हो चुकी हैं तो इस स्टेज पे हम कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। हमें थोड़ी क्रंची रखनी है सब्जियां। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम आंच पर। अब हमारी जो सब्जियां हैं ये एकदम हमें चाहिए वैसी ही हैं, क्रंची भी हैं और कुक भी हो चुकी हैं थोड़ी। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें पास्ता और पिज्जा सॉस जो आता है वो 4 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे ताकि एकदम सॉसी वेजीज हमारी बनकर रेडी हो जाएं। अगर सॉस नहीं है तो आप टोमेटो प्यूरी डालकर कुक कर लेंगे। हमारे सभी वेजीज अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स हो चुके हैं और इस सॉस में ऑलरेडी सब हर्ब्स और फ्लेवर्स होते हैं इसलिए हम और कुछ नहीं ऐड करेंगे। आइए अब बनाते हैं व्हाइट सॉस। तो उसके लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ आटा और इसे हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। कलर चेंज नहीं होना चाहिए पर भून जाना चाहिए अच्छी तरह से। आटा भून चुका है, अब हम 1 कप दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। एकदम से पूरा दूध ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि एकदम स्मूथ सॉस हमें मिले। आंच को धीमी ही रखेंगे और धीरे धीरे सारा दूध इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मिश्रण को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक नहीं करनी है क्योंकि हम राइस में डाल के इसे बेक करने वाले हैं तो हमारे जो राइस है वो नहीं तो कड़क हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सॉस है ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं स्पैचुला को ये कोट कर रहा है। बस हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना है तो इस स्टेज पर हम इसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ये देखिए आप फिर से इस कंसिस्टेंसी को देख लीजिए, ऐसा ही रखना है, इसे बहुत थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा करने के बाद ये वैसे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। बस अब सीजनिंग कर देंगे और गैस को बंद करके इसे निकाल लेंगे। अब हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी है। यहाँ पर बेक करने के लिए मैंने इस तरह का ग्लास बाउल लिया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। नीचे स्टैंड रख के और प्रीहीट कर लें कढ़ाई को और फिर इसे आप बेक कर लें उसमें। तो अब इसमें मैं सबसे नीचे जो हमारे सॉसी वेजिटेबल्स की लेयर है वो डाल रही हूँ। अच्छी तरह से पूरा बॉटम हम कवर कर देंगे इससे। अब इसके ऊपर हमारे जो कुक्ड राइस है वो हम डाल देंगे।
यहाँ पर आप रेगुलर राइस ही लें, बासमती राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उल्टा सॉफ्ट और स्टिकी राइस यहाँ पर चाहिए। इसे भी हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। हाफ राइस को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा वाइट सॉस। अच्छी तरह से पूरे एजेस में भी आप इसे डालें, ताकि ये जब राइस के अंदर जाएगा ना, तो राइस को कड़क होने से बचाएगा, सॉफ्ट रखेगा राइस को। व्हाइट सॉस की लेयर पूरी अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम फिर से जो हमारे सॉसी वेजिटेबल्स थे वो स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे जितने बचे हुए वेजिटेबल्स हैं वो सारे मैं ऐड कर दूंगी और इवनली उसे स्प्रेड कर दूंगी। दोस्तों, ये जितना कलरफुल और यम्मी दिख रहा है ना अभी से, उससे भी ज़्यादा डिलीशियस ये बना था। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं और अब जो बाकी बचे हुए चावल है उसे भी हम पूरा इवनली स्प्रेड कर देंगे। चावल की लेयर अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है और अब ये जो बचा हुआ व्हाइट सॉस है ये भी हम पूरा ऊपर अच्छी तरह से कवर कर देंगे और एजेस में भी इसे अच्छी तरह से आप डाल दें, ताकि इसका फ्लेवर पूरे राइस में जाएगा। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हर्ब्स फिर से स्प्रिंकल करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे जो हमने पहला लेयर डाला था व्हाइट सॉस का, उसके ऊपर चीज डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा कम चीज ही इसे बना रही हूँ, वरना ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ एक लेयर चीज की डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ मिक्स चीज लिया है, मोजरेला और प्रोसेस चीज, उसे मैं ऊपर से पूरा स्प्रेड कर दूंगी। ये ऊपर मैंने पूरा चीज से अच्छी तरह से कवर कर दिया है इसे, और अब इसे हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेक्ड राइस बनकर रेडी है और ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसे मैंने 15 मिनट के लिए बेक किया है और 2 मिनट के लिए मैंने इसे ग्रिल किया है, ताकि ऊपर अच्छी सी ब्राउनिंग आ जाए। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर से ये कितने कलरफुल और कितने यम्मी लग रहे हैं, और ये ऐसी डिश है ना जो छोटे बड़ों सभी को बहुत भाएगी, तो आप इसे एक बार तो जरूर ट्राई करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट बेक्ड राइस की रेसिपी? आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिले।